आप सभी आदरणीय लोग जो मंच पर उपस्थित है उन सबका धन्यवाद देना चाहूंगी। और जितनी भी माताएं बहने आज यहाँ आई हैं और जितने भी मेरे भाई और इस गांव के जितने भी बुजुर्ग उपस्थित हैं आज, उन सब सबको बहुत धन्यवाद और आभार। आप सभी जानते हैं कि मेघपुरी लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है और यह पहला उपचुनाव है, यह पहला चुनाव होने जा रहा है जब हमारे सभ्य आदरणीय पूज्य नेता जी हम लोगों के बीच में नहीं है। मेरी आप सब से, क्योंकि जो अभी ये आई थी मैं तो बच्चे सच्चा समाजवाद यही है और नेताजी ने हमेशा इसी समाजवाद को आगे बढ़ाया है, सबको साथ लेके आगे चले हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी वर्ग का हो। और महिलाओं पर नेताजी का विशेष तौर पे आशीर्वाद रहा है और उन्होंने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे उन्होंने कन्या विद्याधन लिया हो, चाहे उन्होंने मुफ्त में साइकिलें बांटी हो हमारी बेटियों को, न जाने कितने लैपटॉप मिले होंगे। तो नेताजी का समाजवाद ही असली समाजवाद है और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी लोग जितने भी नेताजी के साथी नेताजी का ये परिवार है जो आज मेरे सामने यहाँ एकत्रित हुआ है और ये चुनाव मैं नहीं लड़ने जा रही हूँ, ये नेताजी का चुनाव है और ये आप लोगों का जितने भी लोग आज यहाँ पे आए हैं ये आप सभी का चुनाव है। और मुझे पूर्ण भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि जब एक एक वोट आने वाले 5 तारीख को साइकिल का बटन दबेगा तो हम सभी मिलकर सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे नेताजी को।